हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजिन्स। अब आज के टॉपिक में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, तो अब जो आपकी टेस्ट आ रही है, जो मेट टू मिड सेमेस्टर सेकंड एग्जाम, तो उसमें किस तरीके से टॉपिक पूछे जाएंगे, उसके प्रिडिक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। मैं सियोरिटी नहीं दे सकता कि आपको किस तरीके से पूछे, यानी बस ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी वही क्वेश्चन होंगे, उसकी कोई सियोरिटी नहीं है। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंजिन्स, तो टाइप्स ऑफ एंजिन्स तो जिसके अंदर इनलाइन एंजिन, वी एंजिन, ठीक है, ऑपोज पिस्टन, ऑपोज सिलेंडर, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एंजिन के अंदर किस तरीके के सिलेंडर्स होते हैं, किस तरीके से पिस्टन की अरेंजमेंट होती है, वो सभी क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ा जिसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है एंजिन पार्ट्स। तो एंजिन पार्ट्स के अंदर हम देखना चाहें तो जिस तरीके से पिस्टन तो उसके साथ कनेक्टेड है कनेक्टिंग रोड, वो किसके साथ कनेक्टेड है, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील, फिर वाल्व मैकेनिज्म जिसके अंदर कैम यानी कि कैमशाफ्ट, कैम जो भी है उसके ऊपर बूस्टरोड, फिर रूपर आर्म, फिर वाल्व्स, वाल्व स्प्रिंग्स, वो कहाँ पे होते हैं, वाल्व गाइड, वाल्व सीट, नॉमेनक्लेचर ऑफ वाल्व यानी कि वाल्व टीप, वाल्व स्टेम, वाल्व नेक, वाल्व फेस, वाल्व मार्जिन, वाल्व हेड, ठीक है, ये सभी जो भी चीज है उसमें से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। वाल्व किस मटेरियल का बनता है, ठीक है, सोडियम कूल्ड वाल्व क्या होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अब जितने भी हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा अभी तक, यानी कि जो आपको बेसिक बेसिक अभी तक मैंने एलिमेंट्स आपको बताया वो इंजन के, ठीक है, वो सभी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि उसकी मोशन किस तरीके से होती है, जिस तरीके से पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग इनटू द सिलेंडर बट कनेक्टिंग रोड इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, उसकी ऑसिलेटरी मोशन है और क्रैंकशाफ्ट की कैसी मोशन है, रोटरी मोशन है। दूसरी बात यहाँ पे हम देखें तो कनेक्टिंग रोड जो है वो क्या करता है, तो फिर इनर्सिया फोर्स को कम करने के लिए इसको आई सेक्शन का बनाया जाता है, ठीक है, जबकि पिस्टन जो है उसको आला एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, बिकॉज क्या है कि जो हीट इंटेंसिटी जो है वो हीट को इजिली डिसिपेट कर सके, आराम से वो कंडक्टिविटी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। क्रैंकशाफ्ट जो है उसको फोर्स स्टील से बनाया जाता है। तो ये जो भी क्वेश्चन है आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्रैंकशाफ्ट कौन से मटेरियल से बनता है, क्रैंकशाफ्ट में फोर सिलेंडर है तो उसमें क्रैंकिंग कितनी हो सकती है, ठीक है, फिर मेन जनरल कितनी हो सकती है, डीजल इंजन के अंदर क्या हो सकता है, क्रैंकशाफ्ट के हिसाब से पेट्रोल इंजन के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। बाद में क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो पुली रहती है तो आगे वाले सेगमेंट पे क्या रहता है, पीछे वाले सेगमेंट पे क्या रहता है, ये पूछा जा सकता है। फिर फ्लाईव्हील किस मटेरियल से बनता है और फ्लाईव्हील के ऊपर जो रिंग है, रिंग गियर, वो किस काम में आता है, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि फ्लाईव्हील किस मटेरियल से बनता है, और एक बात कि पावर स्ट्रोक के अदर स्ट्रोक्स के दौरान फ्लाईव्हील का काम क्या रहता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पिस्टन के ऊपर ये क्वेश्चन हो सकता है कि पिस्टन जो भी है तो उसका हेड जो है, यानी कि पिस्टन के हेड की थिकनेस क्या हो सकती है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे उसकी थिकनेस छोटी हो जाती है, गजन भी किस मटेरियल से बनता है, ठीक है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल स्वैप रिंग जो भी है उसका काम क्या है। अगर हम एक पिस्टन के अंदर कोई भी सिलेंडर हो पिस्टन पे हम एक ही कंप्रेशन रिंग लगा दें तो क्या होगा, यानी कि उसके फिनोमिनम के बारे में, उसके बाद स्कैवेंजिंग प्रोसेस यानी कि स्कैवेंजिंग के बारे में हो सकता है, ब्लोबैक गैसेस के बारे में हो सकता है क्वेश्चन, यानी कि जो फर्स्ट जो आपकी टेस्ट थी उसमें जितने भी क्वेश्चंस है इसमें ज्यादातर आपने सभी कवर कर लिए, उसमें सिर्फ स्ट्रोक्स और उसके बारे में थे क्वेश्चंस, लेकिन ये जो टेस्ट रहेगी जिसके अंदर आपको ज्यादातर और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा सब कुछ आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन ज्यादातर ट्विस्टेड ही होंगे, ट्विस्टेड क्वेश्चन मैक्सिमम 7 होंगे 30 में से, बाकी आपको 23 या 22 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको डायरेक्टली डिटोडिक्ट आपको लेने आंसर देंगे, लेकिन 7 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होंगे कि जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। तो यहाँ पे 17 ये भी पिस्टन रिंग में अगर हम एक ही पिस्टन रिंग लगा दें तो क्या होगा, दो पिस्टन रिंग है और एक ही पिस्टन रिंग लगाइए तो क्या हो जाएगा, अगर पिस्टन रिंग ही ना लगाए तो क्या होगा, गजन रिंग जो है
ठीक है, उसके लॉक ग्रुप का क्या काम होता है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, पिस्टन स्कर्ट का काम क्या है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे गेट पे टू स्ट्रोक जो है तो उसमें डिफ्लेक्टर इस तरीके से होता है, तो डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है इसके बारे में। फिर क्वेश्चन हो सकते हैं टू स्ट्रोक पैटर्न में है, टू स्ट्रोक डीजल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। ये चार टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो कि टू स्ट्रोक इंजन जो है, टू स्ट्रोक पेट्रोल, तो उसके अंदर पोर्ट मैकेनिज्म है या वाल्व मैकेनिज्म है, पोर्ट है तो कितने पोर्ट है, उसमें सक्शन पोर्ट यानी इंटेक पोर्ट का काम क्या है, दूसरा है एग्जॉस्ट पोर्ट का काम क्या है, ट्रांसफर पोर्ट का काम क्या है, पिस्टन का हेड डिफ्लेक्टर शेप में क्यों दिया हुआ है, इंटेक पोर्ट जो है और एग्जॉस्ट पोर्ट है दोनों एक ही लाइन में क्यों दिए हुए हैं, ये सभी चीजें, और उसमें स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि टू स्ट्रोक जो भी है उसमें स्कैवेंजिंग ज्यादातर क्रिएट होता है, तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, उसकी कंप्रेशन रिंग के बारे में, ठीक है यहाँ तक। अब ये सब चीजें हैं, उसके अंदर क्या है, क्योंकि क्रैंक केस के अंदर जो भी यहाँ से एयर फ्यूल आता है वो कहा क्रैंक केस में जाता है, तो क्रैंक केस के अंदर जाने की वजह से क्या क्रिएट होता है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद टू स्ट्रोक डीजल, तो टू स्ट्रोक डीजल में क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक कहाँ से शुरू होता है, कंप्रेशन किस तरीके से, वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि पिस्टन डीडीसी से डीडीसी, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में हो सकता है कि बोर डायमीटर क्या है, ठीक है सिलेंडर बोर डायमीटर क्या है, स्ट्रोक लेंथ क्या है, सिलेंडर की लेंथ क्या है, ठीक है पिस्टन डायमीटर क्या है, पिस्टन का डायमीटर क्या है, फिर पिस्टन की लेंथ किसको कहते हैं, टीडीसी टू बीडीसी किसको कहते हैं, क्लीयरेंस वॉल्यूम किसको कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो किसको कहते हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन आपके सामने रखे जा सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो ये क्वेश्चन हो सकता है, कंप्रेशन रेशियो किसको कहते हैं, फिर बोर डायमीटर किसको कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ किसको कहते हैं, फिर इंजन सीसी, सीसी डायमीटर की क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी को किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि यहां तक हम देखें तो क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है उसके बारे में पाई आर स्क्वायर एल, ये इक्वेशन है, या तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल, उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। आपको एमसीक्यू में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि अगर 7.5 यानी ये क्या है, तो स्ट्रोक लेंथ है, ये क्या है उसका बोर डायमीटर है, या तो बोर डायमीटर 9.5 है, ये सेंटीमीटर है, अगर 4 सेंटीमीटर है ये, तो उसका आपको क्यूबिक कैपेसिटी फाइंड करनी है। इस तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अगर न्यूमेरिकल होगा तो उसके मार्क्स उसके हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इससे आगे नंबर दे, तो अब इससे आगे हमारे एक चीज है जिसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने देख लिया कॉम्प्रेशन जैसे बोर डायमीटर, स्ट्रोक लेंथ, फिर टीडीसी किसको कहते हैं, बीडीसी किसको कहते हैं, पिस्टन ब्रिक के बारे में आपको समझ रहा है, पिस्टन ब्रिक का किससे हो सकता है, ठीक है क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो ये जो होती है मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन, तो मैंने डेफिनेशन लिखी हो ऊपर क्वेश्चन में और नीचे आपको पूछा गया होगा उसको क्या कहते हैं, अब उसको कॉम्प्रेशन रेशियो कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर कहते हैं, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ऐसा हो कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर एयर कौन से सिलेंडर में, यानी कि कौन से इंजन के अंदर सिर्फ एयर अंदर एंटर होती है, क्योंकि सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर सिर्फ डीजल इंजन के अंदर एंटर होती है, और यहाँ पे ऐसा पूछा जाए कि सिलेंडर के अंदर एंटर होता है तो वो फोर स्ट्रोक डीजल, और अगर ऐसा पूछा जाए क्रैंक केस के अंदर तो टू स्ट्रोक डीजल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ तक टॉपिक हो गए। इसके बाद है कंबस्शन चैम्बर, जिसके ऊपर मैंने आपको रिकॉर्डिंग में सब कुछ बताया हुआ, ये सब कंबस्शन चैम्बर, टाइप्स ऑफ कंबस्शन चैम्बर कैसे होने चाहिए, जिसकी वजह से हम कंबस्शन एबिलिटी उसकी बढ़ा सकते हैं, आई टाइप, एल टाइप, एफ टाइप, ठीक है। तो ये जो भी कंबस्शन चैम्बर है वो कंबस्शन चैम्बर ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, और उसके पीछे के क्वेश्चन फिगर आपको दी हुई हो और उसमें पूछा गया हो कि ऐसा कंबस्शन चैम्बर इसको क्या कहा जाता है, ठीक है तो कंबस्शन चैम्बर के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद फंक्शंस और हर एक पार्ट,
जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, जिस तरीके से पिस्टन कनेक्टिंग रूम क्रैंकशाफ्ट, तो ये जो भी चीजें हैं ये सबका काम क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ पिस्टन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रूम, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, देन फ्लाईव्हील, वाल्व, रोटरम। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि SOSC सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ठीक है, DOSC डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। फिर इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, कि अगर इंटेक वाल्व बड़े क्यों होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। कोई पर्टिकुलर सिलेंडर है जिसके अंदर इंटेक वाल्व बड़ा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंटेक वाल्व क्यों बड़ा होता है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये सभी मैंने आगे के मेरे वीडियोस में बताया हुआ है कि इसके रीजन क्या होते हैं। इसके बाद इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इसके फिर जिस तरीके से थ्री वाल्व इंजन, यानी कि पर सिलेंडर थ्री वाल्व, तो उसके अंदर दो वाल्व कौन से होंगे और एक वाल्व किसका होगा, उसके ऊपर का क्वेश्चन हो सकता है। फिर फोर वाल्व इंजन होता है, तो फोर वाल्व इंजन में टू वाल्व किसके और टू वाल्व किसके, और उसमें भी दो वाल्व किस तरीके से, यानी दो बड़े कौन से होते हैं, दो छोटे कौन से होते हैं, या तो चारों चार की साइज किस तरीके से होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी कि यहाँ तक वाल्व के ऊपर कौन से क्वेश्चन होते हैं ये मैंने बताया आपको। उसके बाद फायरिंग ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फायरिंग ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होता है, तो कि थ्री सिलेंडर इंजन है तो उसका 1-3-2 फायरिंग ऑर्डर है, फोर सिलेंडर इंजन है 1-3-4-2 उसका फायरिंग ऑर्डर है, सिक्स सिलेंडर इंजन है तो उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होगा, एट सिलेंडर इंजन है तो उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होगा। इसके ऊपर भी मैंने पूरी PPTs बनाई हुई है जिसके अंदर आप पूरा फिर से देख सकते हो और आपको समझ में आएगा फायरिंग ऑर्डर किसमें होता है, और फिर उसका बैलेंसिंग इसका क्वेश्चन हो सकता है कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। फिर इग्निशन टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इग्निशन टाइमिंग हमको सेट क्यों करना पड़ता है, अगर इग्निशन टाइमिंग में सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको पूरा बैटरी इग्निशन सिस्टम आपको समझाया हुआ है इग्निशन सिस्टम के द्वारा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं कि उसके अंदर कंडेंसर का काम क्या होता है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम क्या होता है, उसके अंदर बैटरी किस तरीके से, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये सभी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको याद रखना है फायरिंग ऑर्डर है और इग्निशन टाइमिंग है। फिर एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं जो कि थर्मल एनालिसिस, थर्मल एनालिसिस ऑफ एन एंजिन, कि एंजिन का थर्मल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, जिसके ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है। तो वो ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल का थर्मल एनालिसिस किस तरीके से, उसका ग्राफ किस तरीके से डेवलप होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल क्या है, क्यों पेट्रोल को स्पार्क इग्निशन कहा जाता है, क्यों डीजल को कंप्रेसर इग्निशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी के क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद और एक चीज है जिसको हम कहते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, जो अभी टॉपिक चल रहा है वहां पे मैं आपको कितना पूछ सकता हूँ, तो सिर्फ एक मेन चीज है, एक तो लाइन यानी कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक से क्या है, फिल्टर, फिल्टर से क्या है, पंप है, पंप से कहाँ है अपने कार्बोरेटर में, ऊपर से क्या आया एयर फिल्टर से एयरलाइन, कार्बोरेटर से इंटेक मैनिफोल्ड। अब जो कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर में मैंने आपको सिंपल कार्बोरेटर समझाया हुआ है, तो सिंपल कार्बोरेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंपल कार्बोरेटर के अंदर फ्लोट जो है तो उसका लीक ऑफ दी फ्लोट, यानी कि ठीक है लीक ऑफ दी नोजल वो क्या है, वो हमेशा ऊपर क्यों रहता है, फ्यूल लेवल क्यों नीचे रहता है, फ्लोट क्या है उसके बारे में, फिर एयर फ्यूल मिक्सर किस तरीके से, चौक वाल्व का काम क्या है, शुटर वाल्व का काम क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं सिंपल कार्बोरेटर के अंदर। फिर एक क्वेश्चन और हो सकता है जिसके अंदर सिंपल कार्बोरेटर में कि नोजल जो है वो नोजल क्यों लगी हुई है, फिर वेंटिलेशन लगी हुई है उसके ऊपर का क्वेश्चन हो सकता है, और नोजल जो है हमेशा फ्यूल लेवल, यानी हमारा जो फ्लोट चल रहा है उसके फ्यूल लेवल से ऑलवेज 5 mm ऊपर भी रहता है, कितना ऊपर रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। यानी कि हमारे ऑटोमोबाइल इंजन में इतने सारे टॉपिक है अभी तक हमने जितना चलाया, तो इसमें से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अगर आपने सही से स्टडी किया होगा तो ही आप पूरा का पूरा मार्क्स ला पाओगे, गेन कर पाओगे,
और एक बात होगी सीसी नंबर एक इलस्ट्रेशन आपको पूछा जाएगा जो सिर्फ उसका वन मार्क से दिया जाएगा आपको, लेकिन वो सीसी का कैलकुलेशन उसमें डायरेक्ट आंसर दिया गया होगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि वो आंसर कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ कि हमको क्या करना है इसके ऊपर, कि इंजन स्पेसिफिकेशन किस तरीके से आपको मेजर करने और किस तरीके से उसको टू स्ट्रोक पेट्रोल टू स्ट्रोक डीजल, उसके अंदर आपको पिस्टन के रिवॉल्यूशन यानी पिस्टन सेंट्रीफ्यूगेशन कितनी बार करता है उसमें साइकिल, फिर क्रैंकशाफ्ट के डिग्री कितने 720 डिग्री है या 360 डिग्री है, कितने डिग्री से कंप्लीट होता है वो आपको बताना है, फिर बिफोर टीडीसी कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे क्या हो रहा है क्या फिनोमिनल हो रहा है उसके बारे में, फिर स्पार्क प्लग किस टाइम पे स्पार्क करता है वो आपको बताना है, अगर स्पार्क प्लग सही टाइम पे इग्नाइट नहीं यानी इग्निशन टाइमिंग जो है अगर ये नहीं हो रहा है तो डिले पीरियड क्या है, इग्निशन ब्रेक क्या है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, प्री इग्निशन क्या है, क्या डीजल इंजन में प्री इग्निशन होने के कितने चांसेस है या होता भी है या नहीं होता है उसके बारे में, फिर आफ्टर बर्निंग फेज क्या है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि ओवरऑल अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर से अभी लास्ट मेरा जो था कार्बोरेटर सिंपल कार्बोरेटर उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर हुए सभी टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा ज्यादातर कि जिसमें से आप छूट पाओगे या बच पाओगे। सबसे पहले फिर से बता देता हूँ कि जिससे आपको पता चले कि यहाँ कौन से टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंजिंस, इंजिन पार्ट्स, इंजिन पार्ट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स अभी तक हमने जितने भी चलाया है सभी पार्ट्स के बारे में, वो पार्ट्स किस तरह से बनते हैं, वो पार्ट्स का काम क्या है उसके बारे में, और एक बात कि वो पार्ट्स के ऊपर दूसरे कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, क्रैंकशाफ्ट जो है वो क्रैंकशाफ्ट को किस तरीके से ड्राइव दे रही है वो, और क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट से कितने रहते हैं उसके ऊपर भी प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, फिर टू स्ट्रोक पेट्रोल टू स्ट्रोक डीजल फोर स्ट्रोक पेट्रोल फोर स्ट्रोक डीजल, फिर क्यूबिक कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, बायस वगैरह से भी फाइंड कर सकते हो, पाइप बाई फोर डिस फाइंड कर सकते हो, फिर कंबस्टन चैम्बर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आई टाइप एफ टाइप एल टाइप ठीक है सिलेंडर टाइप या जितने भी कंबस्टन चैम्बर है वो क्या है, फिर सिंगल ओवर हेड कैंसा डबल ओवर हेड कैंसा, फिर एयर फ्यूल मिक्सचर स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो ये सब क्या है उसके बारे में, फिर सिलेंडर बोर डायमीटर क्या है, स्ट्रोक लेंथ क्या है, कंप्रेशन रेशियो क्या है, फिर स्मॉल किसको कहते हैं, कंबस्टन चैम्बर किसको कहा जाता है, पिस्टन हेड पिस्टन रिंग पिस्टन के अंदर टॉप लेंथ क्या है, रिंग लेंथ क्या है, रिंग ग्रूव क्या है, स्लॉट क्या है, ठीक है वो सभी के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि पिस्टन कंप्रेसर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद कनेक्टिंग रोड आई सेक्शन का इंक्लूड होता है, उसके ऊपर का क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, या तो फिर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से कनेक्टिंग रोड को आई सेक्शन का बनाया जाता है, तो नीचे लिखा हुआ हो सकता है कि ड्यू टू इट्स वेट ड्यू टू इनर्शिया फोर्स ये है वो है वो है, ठीक है तो जो भी चीज है उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करके उसका देखना है। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग के लिए क्या करना होता है, फायरिंग ऑर्डर इग्निशन टाइमिंग उसको किस तरीके से सेट करते हैं उसका क्वेश्चन हो सकता है, या तो फायरिंग ऑर्डर किस तरीके से थ्री सिलेंडर में क्या होता है, फोर सिलेंडर में क्या होता है, सिक्स सिलेंडर एट सिलेंडर वी एंजिन में किस तरीके से होता है, ठीक है इग्निशन टाइमिंग क्या है किस तरीके से होता है, ये सभी के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑटोमोबाइल इंजन जो है उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा उसमें मैं आपको फ्यूलियर लुब्रिकेंट्स के बारे में बता दूंगा कि फ्यूलियर लुब्रिकेंट्स के कौन से टॉपिक और किस तरीके से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू।